सारे पुआड़ियां दी जड़ पिंडा दी सियासी तड़ेबंदी लोक एकता मिशन लोक राज पंजाब। तो सर जो ये आज आपका मिशन है लोक एकता मिशन, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। आप, मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताओ कि इसका मेन मोटिव क्या है। इसका मेन मोटिव यही है जी कि हम यूनानिमिटी ला सके विलेज लेवल पर, जो वहाँ ग्रुपिज्म है वो ख़त्म हो सके और उसका असर मल्टीफेरियस होएगा। वो असर ऐसे होएगा कि ड्रग्स मिनिस जो है उस पर कंट्रोल हो सकता है और छोटे छोटे मसले जो हैं, छोटे झगड़े हैं, वो विलेज लेवल पर सॉल्व हो सकते हैं। उससे फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफ जस्टिस पे जो है वो बर्डन कम होगा, कम केसेस होंगे, लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास कम जाएंगे, वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली मल्टीफेरियस इफ़ेक्ट हो सकता है इसका हमारे विचार से। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो केस पहले थे, जो फैमिलियर हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें थी या बड़े से बड़ा केस था जो पहले एक पंचायती तौर पे घरों में ही शॉर्ट आउट हो जाता था, या हमारे जो पिंड होते हैं पंचायती तौर पे, आज की डेट में क्या है कि लोग छोटी सी छोटी बात पे कोर्ट कचहरियों में जाने लगे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बात हमारा यही मसला है कि हम उसको रोकना चाहते हैं। पंचायती राज एक्ट में पावर भी है पंचायत के, उनकी पावर यहाँ तक है कि वो फाइन भी कर सकते हैं। वो इसलिए था कि पहले से काफ़ी हमारा सिस्टम यही है कि पंचायत के छोटे मोटे फैसले जो झगड़े होते थे। मैं एक और भी आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। फर्ज कर लो कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी हो गई, कोई थोड़ी सीरियस भी है, तो अल्टीमेटली वो कोर्ट में चली गई, कचहरी में चली गई, तो अभी भी पंचायत इंटरफेयर करके उनमें कंप्रोमाइज़ करवा देती है, तो कंप्रोमाइज़ बेसिस पे क्वैश भी हो जाते हैं वो केसेस। तो हम ये चाहते हैं कि वो जाने से पहले ही एक फैसला हो जाए, वहाँ कंप्रोमाइज़ हो जाए, ताकि बर्डन एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कम हो। देखो, किसी केस को इन्वेस्टिगेशन करके एक ट्रायल स्टेज पे लाना काफ़ी खर्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का खर्चा आता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो इससे, जो आपने अब तक जो बताया इससे ये समझ में आता है, निष्कर्ष ये है कि जो पंचायती तौर पे आप शॉर्ट आउट कर रहे हो होगा कोर्ट में, बट बाद में उससे पहले नहीं, 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 ये मकसद नहीं है। मैं ये एग्जांपल दिया है कि जो कोर्ट में चले भी जाते हैं वो भी कई बार पंचायत लेवल पे बाद में लोग बन जाते हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वो कंप्रोमाइज़ फिर जाके कोर्ट में दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बाय देन कितना खर्चा हो चुका है कोर्ट जाने से पहले ही घर में। हाँ, वो ये पहले हो जाता सॉर्ट आउट, तो वो खर्चा बच जाता, वो टाइम बच जाता, वो कोर्ट का टाइम बच जाता, ये हमारा मकसद है। तो अभी कितने केस हैं पेंडिंग में? पेंडिंग में देखो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 480 के करीब इसके आसपास पेंडिंग है। जो हमारे स्टैटिस्टिक्स जो लेटेस्ट अवेलेबल हैं, 5 करोड़ 10 लाख के करीब केस जो हिंदुस्तान में पेंडिंग है वेरियस कोर्ट्स में। तो हमारा ये मकसद है कि अगर कुछ भी इसमें पेंडेंसी कम हो, क्वालिटी ऑफ जस्टिस बढ़ेगा और लोग कोर्ट्स पे बर्डन बढ़ेगा कम होगा, तो इस वजह से ये सिस्टम जो है सारा सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। इससे ये होगा कि जो बाकी केसेस भी हैं उस पर भी गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे सकेगी आप। हाँ, वो है, क्वालिटी ऑफ जस्टिस बढ़ेगा ना, फिर अगर केस कम होंगे तो जज जो है उसको धीरे से अच्छे फैसले कर सकेंगे। अभी थोड़ा सा जल्दबाजी में होता है, कई बार फैसला गलत हो जाता है। हम यही विनती करनी चाहेंगे कि जब भी ये झूठ का राज्य है, जब भी सत्य का राज रहा है, हम विक्रमादित्य से लेकर और जो सरदार रणजीत सिंह का जो राज रहा, ये सभी जो राज्य थे, इनमें जो पंचायत थी यही प्रमुख तौर पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी और जुडिशियल भी यूनिट के तौर पे काम करती रही, और ज़्यादा फैसले जो हैं वो इसी पंचायत के लेवल पे हल होते रहे। ये जो कचहरियों का जो कंसेप्ट आया, इसमें जितने भी हैं, जो अब पंचायत ने जो मसला हल करना था, क्योंकि पंचायत भी एक लोअर कोर्ट है, तो वो सभी जो हैं वो जा रहे हैं, थानों में जा रहे हैं, कचहरियों में जा रहे हैं, और पेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि जो जैसे जज साहब ने कहा कि जो क्वालिटी है जस्टिस वो सफ़र करती है उससे, क्योंकि जब इतनी वो फाइलें पड़ी हैं तो उनको टाइम कम मिलता है उनके लिए, छोटे छोटे केस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। सो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये पुराना जो सिस्टम था वो पंचायतों का, वो सर्वसम्मति की पंचायतों का, क्योंकि ये जो धड़े की पंचायतें हैं इनके पास लोग जाते नहीं हैं फैसलों के लिए, क्योंकि एक धड़े के लोग हैं वो दूसरे के पास कैसे जाएंगे।
कि अगर ये पंचायतें सर्वसम्मति से होंगी, ये निष्पक्ष होंगी, तभी इनके पास फैसले आएंगे, तभी ये कोर्ट का जो है, जो अदालतों का बोझ है वो भी कम होगा, क्वालिटी भी ठीक होगी, और जो नशे हैं, जो ये झगड़े हैं, जो कत्लों तक जा रहे हैं, ये भी सब खत्म होंगे। गांव का जो जो लाइफ है, जो सबसे पीसफुल और सबसे हेल्दी लाइफ थी, जो इस वक्त बहुत बिगड़ी हुई है, वो सब ठीक हो जाए।